समय आया था कि गाय भैंसों का कान छिदाई हुआ, उसमें आधार कार्ड ये वो लिंक हुआ, अब वो छूटे हैं तो नगर पंचायत है या जो ग्राम पंचायत उसको अधिकार था, वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो अब मामा थोड़ी गलती कर रहा है, शिकायत तो उस अधिकारी को करनी वहाँ जा रही है, और सब सरकारें जो है सब आपस में मिली हुई। फिर कैसे जब आपस में मिली फिर कैसे सही हो गए? सब सही है भैया, शिवराज सिंह पूरी व्यवस्था कर रखे हैं, सब सही है। आप एक तरफ बता रहे हो कि ऊपर सुनवाई भी नहीं हो रही है, एक तरफ बता रहे हो सही भी है, वही गुत्ती भी है वो लग रहा है। बस शिवराज सिंह ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है मध्य प्रदेश में कि काम करने की जरूरत नहीं। बात ये है कि गुंडागर्दी खत्म हो, कांग्रेस के जमाने में गुंडागर्दी बहुत थी। अच्छा, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस में। आप कहाँ से? आप बताइए अभी तो अभी हम पूरे हम यहाँ हम हिंदुस्तान से मध्य प्रदेश में आपका आगमन स्वागत हो रहा है, आप बात कर रहे हैं तो बताइए, तो अब की जो होने वाला है 10 में से सरकार वर्तमान सरकार को कितना नंबर? 10 में 10 कितना नंबर आप देंगे? वही वही आप कितना देंगे वर्तमान सरकार को? हम क्या दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, सरकार कर क्या रही है, क्या की है उसने, कुछ नहीं किया युवा के लिए, ना रोजगार दी ना कुछ, एक नंबर की कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस सरकार बदलनी चाहिए। हमारे पहले 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहे हैं अभी हम। आप बताइए कितना दे रहे हैं? पहले मैं 10 में से 8 दे रहा हूँ। आप बताइए, अरे बताइए, हाथ ऐसा जोड़ते हैं कि जैसे हम कुछ आके आपसे कुछ और कर रहे हैं। आप ही सवाल कुछ लोग ऐसे हाथ ऐसा, हाँ उजला से लिया, उसके पहले गैस हमने नहीं लिया था, जो 2200 का कनेक्शन होता वो 4400 में दिया जाता था, वही लाइन लगा के खड़े रहते थे गैस लेने के लिए, और अब तो घर घर पहुंचाया जा रहा, तो दिख रहा है आप विकास? हाँ ये विकास नहीं दिख रहा, सिलेंडर चोरी हो जाते थे कुछ एजेंसियों से, मुख्यमंत्री के चेहरे को ही बदलने का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, ये इनके पास भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, 5-6 लोग यहाँ पे अभी तो कह रहे मतलब रिचार्ज नहीं हो पाते, अब तो हर महीने रिचार्ज हो रहे हैं, और कहते विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, काम करने नहीं चाहते कोई, तो कब इससे पहले रिचार्ज नहीं होते हैं, इससे पहले रिचार्ज कब होता था? क्या किया रोजगार के लिए बताइए, कोई फैक्ट्री लगाएगी, कोई वैकेंसी निकलवाएगी, कुछ भी किया बताइए, कुछ बताइए। अरे हाँ मोदी क्या जो, हाँ मोदी मतलब आजाद भी फिर इतना जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो मोदी आने के बाद बात कर रहे हैं 2000। अच्छा मतलब 2014 में देश आजाद हुआ। कंगना रनौत ने बयान मौजूद है मध्य भारतीय जनता पार्टी ने गैस लिया, हाँ उजला से लिया, उसके पहले गैस हमने नहीं लिया था,
जो 2200 का कनेक्शन होता वो 4400 में दिया जाता था, वही लाइन लगा के खड़े रहते थे गैस लेने के लिए। अब तो घर घर पहुंचाया जा रहा, तो दिख रहा है विकास? हाँ, ये विकास नहीं दिख रहा, सिलेंडर चोरी हो जाते तो एजेंसी से मंत्री के चेहरे को नहीं बदलने का नाम लिया जा रहा है। कौन कौन किसके ऊपर मन पर बात होगी? वो बता रहे कि युवा के लिए रोजगार नहीं, किसके लिए रोजगार नहीं, युवा के लिए कौन सी वैकेंसी आई, कहा काम नहीं चल रहा है, आप उनका जगह ये आईफोन सबके पास है, रोजगार नहीं है, हमारे पास तो आपके पास नहीं होगा भले चाहे, बस आपके पास आईफोन है, नहीं यहाँ पे ये इनके पास भी नहीं है, कहीं है नहीं है, पाँच छह लोग यहाँ पे हैं। अभी तो कहने का मतलब रिचार्ज नहीं हो पाते, अब तो हर महीने विकास हो रहे हैं, अगर ऐसे विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, काम करने नहीं चाहते कोई तो कब, इससे पहले रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, पहले रिचार्ज कब होता था? आपने क्या किया रोजगार के लिए बताइए, कोई फैक्ट्री लगाएगी, कोई वैकेंसी निकलवाएगी, कुछ भी किया बताइए, कुछ बताइए। अरे बताइए, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको सबको रोजगार मिल रहा है, हाँ मिल रहा है युवा। हेलो, युवा वो काम करे, काम करे, सब दस दस हजार कौन बस महीने का रहे, कौन है, कौन सी वैकेंसी है, सरकार बस सरकार ही चाहिए, 10,000 पब्लिक को जरूरत है और 10,00,000 करोड़ आदमी भर्ती हो गए, रिटायर भी तो हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, हर बार रिटायर भी तो हो रहे हैं, भाई मामा ने सबको खरीद लिया है, 1,250 लाडली बहना दे दिया, ये वोट वोट नहीं तो क्या है, और फिर आप कांग्रेस कह रही है कि हम उससे ज्यादा देंगे, तो फिर आप लोग अभी 1, 2, 3 राहुल गांधी ने 10 गिनती गिना था, 1, 2, 3, 10 दिन में कर्जा माफ, कहीं माफ हुआ, 15 महीने सरकार तो थी, कहे नहीं की माफ, हाँ तुरंत वही करवाए जाके, दिल्ली में करवाए, यहाँ न करवाए, यहाँ मामा चले खूब करने के लिए, मामा दे रहा है ना भाई, 1,250 वो दे रहा है, 6,000 रुपए 6 महीने में वो किसान वाला दे रहा है, भाई 25,000 जो पा रहा है वो थोड़ी मामा का नाम, मामा का दूसरे मामा जाएगा, 25,000 पा रहे हैं सालाना, 12,000 जो 12,000 रुपए हो जाता है, 12,000 ये लगा लीजिए, फिर गल्ला है फ्री में, यानी कोई भी सरकार आएगी तो फ्री में बांटेगी, बढ़िया है ना, क्या बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया है, इनके लिए बढ़िया है भाई, तो जो नीचे है उनके लिए बढ़िया है, जो ऊपर है उनको वो बैंक खा लेते हैं, मध्यम वर्ग क्या करे, वाला तो रिटर्न भर रहा है खुदा है, 10 करोड़ का मालिक खुदा है, तो रिटर्न भर रहा है, तो कहे के लिए वो कहे, क्या लग रहा भैया, मामा शिवराज सिंह, अच्छा सरकार चल रही है, सरकार पूछ रहे कौन है, क्या है सरकार, ये लाटली बहना आ गया, सब खरीद लिया, ये आवास आ गया, और आपका उज्ज्वला है पीछे, अच्छा घाट वाले चौराहे पे खड़े थे तो वहाँ पे कहे के भूसे में हमारा गैस पड़ा हुआ, भूसे में गैस पड़ा हुआ, गजब है, भूसे में गैस भरता है, एजेंसी में गैस भरता है, पैसे नहीं भरवाने के लिए, मामा ने दिया तो 1,250 रुपए इसीलिए न दिया है, बता रहे भूसम पर भूसा उसम नहीं कहते, सब 1,250 रुपए दे रहे हैं, उससे गैस भरा जाएगा, गल्ला फ्री में आ रहा है, रहने के लिए आवास मिल रहा है, अब क्या चाहिए, यहाँ तो मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह, कह रहा हमें रोजगार तो हमें ये जरूरत है, क्या है भाई साहब, फ्री में मिल रहा है तो रोजगार लेके क्या करें, मेहनत करेंगे, आपके आपके बच्चे के हैं सब है, पढ़ाया क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई बंद करा दी शिवराज सिंह सरकार में, भाई वहाँ जाओ स्कूल में वो मिल रहा है खाने के लिए, फिर उसके बाद बड़े हो जाओ तो पूरा सरकार शिवराज मामा शिवराज जी उसके बाद पहले बात मामा शिवराज सिंह जन्म से लेकर मरण तक की पूरी व्यवस्था की, इसमें इंसान अगर काम मध्य प्रदेश का कर रहा है वो निकम्मा, रोजगार पे रोजगार की जरूरत ही क्या है भाई, रोजगार काहे के लिए करेंगे, मतलब पूरी व्यवस्था कर दी है, पढ़ाई उड़ाई जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, वो बस बैठे आराम से रोड के किनारे, बड़ी चीज है कि आज ठीक है मामा तो दे रहा है, कल कांग्रेस आएगी, कमलनाथ ने भी यही कहा कि हम देंगे, तो जनता क्या करेगी, कोई भी सरकार आएगी रहेगा यही, भाजपा कहती है वो वहाँ पे दिल्ली में जाके आरोप लगाती है कि मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेवड़ी नहीं है,
ये रेवड़ी है, ये भाई देखिए पार्टियां तो वही कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ आरती बताइए जिससे मामा पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने सिखा दिया है क्या? नहीं, देश आजाद हुआ है तभी से ये रेवड़ी धीरे 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 करके आज बड़ी हो गई है। तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा इस मुश्किल रेवड़ी में? अभी देश नहीं बढ़ रहा, चंद्रयान 3 हो गया, देश नहीं बढ़ रहा है। कहाँ सो रहे हैं आप? अच्छा, चंद्रयान, चंद्रयान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? अरे 71 में पहले की, पहले का ही फिर कितने की? अरे इससे पहले हम लोग नहीं गए, इससे पहले हम लोग नहीं गए। हम ये कह रहे हैं मतलब मोदी जी के आने के बाद हुआ है सब। हाँ मोदी क्या थे? मोदी मतलब आजाद भी फिर इतना जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो मोदी आने के बाद बात कर रहे हैं। 2000 अच्छा मतलब 2014 में देश आजाद हुआ। कंगना रनौत ने बयान दिया है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, वही वाला आप? जी बिल्कुल, देश 2014 के बाद ही दूसरी आजादी मिली है युवाओं मुफ्त में खाने के लिए। युवाओं तो डंडे खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, पकौड़े बेचने के लिए कहा जा रहा है। भैया एक बात बता दी, देश की जनता को एक वर्ष के लिए पूरा काम बंद कर सरकार से खाना चाहिए, इसके बाद जो सरकार आए वो फिर उपलब्ध कराए। तो या तो फिर मुफ्त की रोबड़ी तब बंद होगी, या तो फिर जनता को बस इसी तरह राम नाम जपते रहो और मामा शिवराज का माल खाते रहो। हाँ भैया, अगले पंचवर्षीय में जनता खुद ही पूछेगी आपने क्या किया है। हाँ। आप देखिएगा बस बदलाव आएगा। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ रोड से, तो ये दिक्कत मवेशी वाली काफी यहाँ समस्या है, उससे कुछ क्या लगता है भैया, उससे कुछ राजनीति में क्या बदलाव होगी? किसान भाई, किसान खुद छोड़ रहे हैं तो क्या करेगा जब सरकार? भाई किसान ही ना है, सरकार का क्या दोष है? अच्छा आप ये बता दीजिए, कोई अपने माँ बाप को भगा दे घर से, या लड़के को कोई माँ बाप भगा दे, उसमें सरकार क्या रोक? तो माँ कहाँ जा रहा है, उसको रोड पे छोड़ रहा भी तो सही है। छोड़ तो रहे बच्चे ना, और सर मामा क्या करे? मामा भी एक दो साल ही वहाँ बन पाया अब रावण मामा के पास, तो वो जा रहे हैं धीरे धीरे। लोग मतलब कहाँ कहाँ से वहाँ ले जाएंगे? गौशाला तो हर जगह बनवा रहे हैं, पर क्षेत्रीय आगे भाई उसके लिए व्यवस्था भी चाहिए ना। वहाँ लोग मतलब जब तक दूध मिलता है तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया है, उसका मतलब हट गया ना। आने जाने वाले का एक्सीडेंट हो रहा है आए रोज यहाँ पे, पब्लिक की गलती है, ये पब्लिक की गलती। पब्लिक को देख कर चलना चाहिए, सरकार ये कहे। तो इसमें ये नहीं कि कोई कठोर कानून बनाया जाए और उस पर रोक लगाए जाए, कठोर कानून बनाना ही चाहिए। भाई किसान जो है तो किसान छोड़ते हैं तो किसान की खेती न चलेंगे, कहाँ जाएंगे वो? किसान बड़ा परेशान है कि विरोध कर रहा है इसके। जो आज है ना, सरकार को कठोर कार्य करना चाहिए, सरकार कठोर काम खास करे, क्योंकि मवेशी भी हमारे, उनको जब वोट भी हमारा चाहिए तो हमारे ऊपर एक समय आया था कि गाय भैंसों का कान खिदाई हुआ, उसमें आधार कार्ड ये वो लिंक हुआ, अब वो छूटे हैं तो नगर पंचायत है या जो ग्राम पंचायत उसको अधिकार था, वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो मामा थोड़ी गलती कर रहा है। शिकायत तो उस अधिकारी को करनी, वहाँ जा रही और सब सरकारें जो है सब आपस में मिली हुई। कैसे जब आपस में मिली फिर कैसे सही हो गई? सब सही है भैया, शिवराज सिंह पूरी व्यवस्था कर रखे हैं, सब सही। आप एक तरफ बता रहे हो ऊपर सुनवाई भी नहीं हो रही है, एक तरफ बता रहे हो सही भी है, वही घुट्टी भी है वो लग रहा है। बस शिवराज सिंह ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है मध्य प्रदेश में कि काम करने की जरूरत है। बात ये है कि गुंडागर्दी खत्म हो, कांग्रेस के जमाने में गुंडागर्दी बहुत। अच्छा गुंडागर्दी बहुत ज्यादा कांग्रेस। आप कहाँ से? आप बताइए अभी तो, अभी हम पूरे हम यहाँ हम हिंदुस्तान से, मध्य प्रदेश में आपका आगमन स्वागत हो रहा है, आप बकवास कर रहे हैं। तो बताइए तो आपकी जो होने वाला है 10 में से सरकार, वर्तमान सरकार को कितना नंबर? 10 में 10 कितना नंबर आप देंगे? वही 10 में 10 आप कितना देंगे वर्तमान सरकार को? हम क्या दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, सरकार कर क्या रही है, क्या की है उसने, कुछ नहीं किया युवा के लिए, ना रोजगार दी ना कुछ, एक नंबर की नहीं है कुछ नहीं, बस सरकार बदलनी चाहिए।
हमारे पहले 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहे हैं अभी हम। आप बताइए कितना दे रहे हैं? पहले मैं 10 में से 8 दे रहा हूँ। आप बताइए, अरे बताइए, हाथ ऐसा जोड़ते हैं कि जैसे आप खुदा के हाथ से कुछ और कर रहे हैं। आप ही सवाल, कुछ लोग ऐसे हाथ ऐसा जोड़ लेते हैं। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बोले हैं कि रीवा जिले में 8 ही विधानसभा है, 9 होती तो जनता 9 भी दे देती, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अब हम लोग 10 का 10 दे रहे हैं। अच्छा, जी 10 का 10 पूरा दे रहे हैं जी। मतलब वो ये है मनगवा की जनता और जो एक अपनी राय रख रही थी, थोड़े से नोक झोंक भरा ये छोटा सा डिबेट था, है ना, और जिसमें बहुत ही ढेर सारी जो है अच्छे कार्य भी बताए गए, खामियां भी बताए गए। कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ लोग असंतुष्ट थे, ये तो हर जगह देखने को मिलेगा। और भी लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल है क्या। मैं मोहम्मद अहमद, कैमरामैन संजय हेला के साथ मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।